NICL AO इंटरव्यू शुरू हो गए हैं कुछ दिनों पहले, एंड कुछ स्टूडेंट से मेरी बात भी हुई, मुझे कुछ एक्सपीरियंसेस भी मिले, तो वैसे ही मैं आज कुछ क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ। गौरव त्रिपाठी, इन्होंने कुछ क्वेश्चन शेयर किए मेरे साथ, तो थैंक यू गौरव फॉर शेयरिंग योर क्वेश्चंस विद मी। एंड दोज आर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल जस्ट क्विकली पास इट ऑन, एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल गिव यू सम आइडियाज़ कि इंटरव्यू का पैटर्न अभी तक तो क्या चल रहा है, एक जनरली बता रहा हूँ। ओके, सो बिफोर आई स्टार्ट, इफ यू न्यू टू दिस चैनल देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड यू कैन ईमेल मी योर एग्जाम डिटेल्स ऑन shatirchor11@gmail.com। ओके, ये मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में भी रहेगा और डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा, ठीक है। सो आई क्विकली स्टार्ट नाउ। NICL AO इंटरव्यू एक्सपीरियंस 2019 का कैसे था? एक क्वेश्चन था, सबसे पहला क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर डिड योर फादर रिटायर, मतलब क्वेश्चन वॉज समथिंग, डैड आपके रिटायर हो चुके हैं तो यू टू टेल कंपनी, कौन सी कंपनी से रिटायर हो चुके हैं, एंड देन रीज़न, सबसे मेन तो रीज़न। ओके, एनी कुछ भी हो सकता है, मे बी 60 एज हो गया या जो भी उनका एज कंप्लीशन करना था वो हो चुका रहेगा। सो दैट वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज द बिग गेम चेंजर विच वॉज आस्ड हिम, वाई डिड यू लीव योर कंपनी, लाइक वाई लेफ्ट ब्लैंक, दैट इज योर कंपनी। ओके, ऑब्वियसली इफ यू आर कमिंग इन NICL एंड इफ यू आर वर्किंग देन ऑब्वियसली आर लिविंग दैट जॉब, तो सवाल तो बनता है। सो वाई यू आर लिविंग, आई विल टेल यू, दिस इज गोइंग टू बी द वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू फॉर वर्किंग गाइज, बिकॉज आप अगर जॉब कर रहे हो तो आप जॉब छोड़ोगे ना, ऑब्वियसली आपको इंजीनियरिंग में जॉब चाहिए, तो वो डिसीजन क्यों लोगे, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन था कि नाउ ही इज़ अ सिविल इंजीनियर, सो एज अ सिविल इंजीनियर हाउ यू कैन यूज़ यूर नॉलेज इन इंश्योरेंस, जैसे कि मैंने कहा था आपकी प्रोफाइल है, IT हो, HR हो, जो भी हो, हाउ यू आर गोइंग टू यूज़ योर नॉलेज इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री, ये दो क्वेश्चन हैं, मुझे लगता है बेहद तैयार करो। देखो जो फ्रेशर्स है उनके लिए तो ऊपर का क्वेश्चन आएगा नहीं कि व्हाई डू यू लीव योर कंपनी, ठीक है, बट वो एक क्वेश्चन, और उसके अलावा एज अ मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, एज अ IT ऑफिसर ऑल्सो, वॉट डू यू थिंक हाउ यू कैन यूज योर नॉलेज इन इंश्योरेंस सेक्टर, यू हैव टू लिंक दिस, इसका अच्छे से आंसर रखो, यू हैव टू मेक इट अच्छे से आंसर रखो, मतलब रट्टा मत मारना, बी ओपन, क्योंकि याद रखो जब आंसर्स दिए जाते हैं, जैसे इनके साथ भी शायद थोड़ा हुआ कि दे विल नॉट अलाउ यू टू कीप स्पीकिंग, कभी कभी आपको टोकेंगे इन द सेंस कि बॉस आप ऐसा नहीं कर सकते, मतलब अच्छे से बताएंगे, तो आपका रिदम पे ब्रेक लग गया, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड, हाँ सर ये ऐसा है, तो आपको पॉइंट लेके आगे बढ़ाना है। कभी भी याद रखो इंटरव्यूअर सिर्फ आपको प्रॉब्लम में डालने के लिए नहीं होता है, वो कभी कभी आपको हिंट भी देता है, अभी आपकी जिम्मेदारी है कि टेक दैट हिंट, डेवलप दैट पॉइंट। ओके, नेक्स्ट, व्हाट विल यू डू इन ऑफिस, कुछ नहीं सर, चाय पियेंगे, कॉफ़ी पियेंगे, गप्पे लड़ाएंगे, और क्या, नेवर से दैट, हाउ व्हाट विल यू डू इन एन ऑफिस, इट्स लाइक ही वॉज स्मार्ट इनफ टू नोटिस द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ऐसा था कि बॉस यू आर सिविल इंजीनियर सो वाई आर यू इन NICL, सवाल बनता है, और ऐसा मत समझना कि वो सिविल इंजीनियर है तो उनको ही पूछा गया, ठीक है। आपका मान लो इंश्योरेंस है, अभी इंश्योरेंस में आप जा रहे हो, तो आपका फील्ड मान लो एकदम अपोजिट है, ठीक है, इंश्योरेंस से कुछ लेना देना नहीं है, तो आप क्यों आना चाहते हो। कभी भी याद रखो, जैसे मैंने वीडियोज़ में बहुत बताया है, इंटरव्यूअर इस 10 times स्मार्टर देन यू, उसको पता है सब अच्छे पर्क्स है, अच्छे इंसेंटिव है, वो है, लेकिन ऐसा क्या क्रक्स पर निकाल सकते हो। एंड कभी भी याद रखो, कुछ लोगों को ना, कुछ स्टूडेंट्स को बात ज़्यादा करने की आदत होती है, इट्स गुड, बट इंटरव्यू में अप टू द पॉइंट रहना, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो जाए कुछ ऑड पॉइंट बोल दो और वो ऑड पॉइंट आपको पकड़ ले, फिर एक एक करके वो पेज ढीला करेगा, ही विल आस्क यू के बॉस ये ऐसा नहीं था, इन्फॉर्मेशन ऐसा था, देन यू विल बी लाइक यस यस यस, नॉडी करना पड़ेगा, इसलिए बोलता हूँ अप टू द पॉइंट रहो, ठीक है, आपका नॉलेज है, आप बेहतरीन हो, बेस्ट हो, दैट इज़ ओके, बट कीप इट अप टू द पॉइंट। नेक्स्ट थोड़े उसके पर्सनल क्वेश्चन थे, लाइक समथिंग ही वॉज आस्ड अबाउट द सिबलिंग, देन कुछ फनी इंसिडेंट हुआ शायद उनका पोस्टिंग एरिया जो उनका भाई का था, देन वॉट इफ़ यू आर पोस्टेड इन मुंबई, सो यू आर सी पोस्टिंग के बारे में इतना कुछ नहीं है, यू कैन वर्क एनी वेयर बिकॉज आपने ये प्रोफेशन चूज़ किया है, ये फील्ड है, तो दैट इज़ क्वाइट ओके, तो ऐसे मत बोलना मेरे को नहीं, मेरे को दिल्ली चाहिए, मेरे को बेंगलुरु ही चाहिए, नो,
Last member didn't ask him anything. Okay, said thank you. And a good point to be noted, he was not asked any question from the election. ठीक है, मैं obviously मैं इनका एक तजुर्बा ले रहा हूँ, हो सकता है यहाँ पे ऐसा भी कोई वीडियो देख रहा हो जिनके साथ पूछा गया रहेगा, बट इनके लिए तो कोई क्वेश्चन था नहीं इलेक्शन के लिए. ठीक है, तो ये था एक्सपीरियंस. थैंक यू वंस अगेन गौरव इफ यू वॉचिंग दिस वीडियो. वेल नाउ लेट मी टेल यू, मैंने कुछ लोगों से बात की, कुछ इनके पॉइंट्स बनाए और कुछ कॉमन एलिमेंट्स जो निकल के मैं आपको बताता हूँ. सबसे पहली चीज़, योर नेम. सपोज़ यू, इफ़ योर नेम इज़ रियली यूनिक, कुछ अलग मीनिंग है और उसमें अचानक इंटरेस्ट स्पार्क हुआ ना, तो ही विल आस्क यू. अभी देखो हम लोग क्या करते हैं, मैंने जॉब ये किया है, इंश्योरेंस में ये होता है, ये हम लोग पढ़ाई के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें हमसे जुड़ी हुई है, द थिंग्स विच आर रिलेटेड टू, यू शुड नो द थिंग्स. अभी इसके लिए अभी आप ये मत ढूंढे बेटो मेरा नाम यूनिक है कि नहीं, सिंपल आपका नाम का मतलब क्या है, कोई भगवान से जुड़ा हुआ है, किसी चीज़ से जुड़ा हुआ है, कोई भी हो, यू शुड नो एटलीस्ट 2-3 लाइन्स अबाउट योर नेम. ओके, सिर्फ ये मत ऐसे एक वर्ड ऐसा मीनिंग मत बोल, जनरल मीनिंग आपको पता होना चाहिए. ओके, अनदर पॉइंट एक आ रहा है कि मान लो फ्रेशर्स हो. ठीक है, फ्रेशर्स हो तो एक सवाल तो बनता है कि बॉस व्हाई डिड यू वांट टू जॉइन इंश्योरेंस सेक्टर. ओके, मैंने इसका एक टिप दिया था मैंने, अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, चाहिए तो मैं इसके लिए क्विकली एक वीडियो डाल दूंगा. ठीक है, या आप मुझे ईमेल कर सकते हो, कोई बात नहीं, shatirchor11@gmail.com. स्पेशली फ्रेशर्स के लिए बता रहा हूँ, व्हाई डिड यू वांट टू जॉइन इंश्योरेंस सेक्टर. और जो वर्किंग प्रोफेशनल है उनके लिए तो ये क्वेश्चन था, व्हाई डिड यू लीव योर कंपनी. ठीक है, क्योंकि आप वर्किंग हो मतलब जॉब छोड़ रहे हो. ठीक है, और अगर मान लो वर्किंग हो और मान लो अभी जॉब नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो लिंक करेगा कि इस पीरियड में क्या किया. सो बी रेडी फॉर दिस क्वेश्चन. मतलब देखो, क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू यू, कोई रॉकेट साइंस एक हाथ दूसरे के अलावा कोई रॉकेट साइंस नहीं है. इट्स नॉर्मल क्वेश्चंस जो आपसे जुड़े हुए हैं. मतलब ही वॉन्ट्स टू नो इतने पीरियड में आपने किया क्या. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी इट्स लाइक आपका नॉलेज. आपने जो स्पेशली फ्रेशर्स लोगों के लिए कि आपने फाइनल ईयर में जो प्रोजेक्ट किया या कोई भी ऐसी चीज़, तो आपने थोड़ा बेसिक्स थोड़े स्ट्रांग करना इंश्योरेंस के लिए. आप किताबों में हाल ही में उलझे हुए थे अपने ग्रेजुएशन से या जो भी आपकी डिग्री है उसमें, सो मेक श्योर यू हैव द बेसिक कंसेप्ट रेडी फॉर द इंश्योरेंस. यस, इंश्योरेंस का नॉलेज होना चाहिए. और सबसे ज़रूरी चीज़, अचानक कोई बाउंसर ना आए, थोड़ा एम्बैरेसिंग ना लगे, इसलिए NICL के बारे में थोड़ी बेसिक इन्फो पढ़ के जाना. ठीक है, या फिर कह सकते हो NICL AO के बारे में, दोनों के बारे में. NICL मतलब कंपनी क्या है एक्सैक्ट, और NICL AO मतलब आपका रोल क्या है. ओके, एंड बेसिक स्ट्रांग रखना, एकदम नॉर्मल रखना. इंटरव्यू ज़्यादा ये नहीं होता है अनलेस एंड अंटिल आप कोई इन्फॉर्मेशन ना दो. हाँ देखो, आपको पता नहीं है तो ठीक है, द लास्ट रिसॉर्ट इज़ लाइक सॉरी सर आई डोंट नो, क्योंकि कुछ फेकम फाक वहाँ पे नहीं चलेगा बॉस, कुछ भी बंडल आप मार नहीं सकते वहाँ पे बैठे बैठे. तो इट्स बेटर नॉट टू से एनीथिंग इफ़ यू डोंट नो, बट इफ़ यू नो कीप इट टू द पॉइंट. कुछ भी ऐसा लगा वैसा लगा मत रखना, मतलब अधूरा मत छोड़ना कि यस सर दिस डिसीजन हैज़ बीन टेकन, मतलब जो भी टॉपिक चल रहा होगा आपका. ठीक है, सो इन पॉइंट्स से फोकस करो. आपको कोई डाउट रहा तो यू कैन ईमेल मी ऑन shatirchor11@gmail.com. तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया.